नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन सोपती और आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, और जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उस ऊंट की तस्वीर कैसे होती है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में ये पीठासीन अधिकारी वही अनिल मसीह है जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद, जी हाँ, बेहद तलख टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस अधिकारी ने लोकतंत्र की हत्या की, और इस अधिकारी से कह दीजिएगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें देख रहा है। दोस्तों, ऐसी जिन पर विपक्ष के लोगों ने यह आरोप लगाए कि उन्होंने बकायदा विपक्ष के वोट अपने हाथ से कैंसिल करके उन वोटों को खराब करके रद्द करवाया और गलत तरीके से बीजेपी का मेयर बनवाया, वो आज सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए तो रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने लोकतंत्र की हत्या की, तो अनिल मसीह का चेहरा देखने लायक था। देखिए चेहरे पर कैसे इनके तोते उड़ गए हैं, यह कह लीजिए कि इनकी हवाइयां उड़ गई हैं। अनिल मसीह, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के तहत नियुक्त किया गया था प्रशासन द्वारा, इन्हीं पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि ये बीजेपी के पुराने मेंबर हैं, बीजेपी के साथी हैं, इनकी तस्वीरें भी थी बीजेपी के नेताओं के साथ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तलख टिप्पणियां की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनिल मसीह खुद आए कोर्ट के सामने और इस पूरे मामले में अपनी बात रखें, तो इसलिए अनिल मसीह को रिटर्निंग ऑफिसर को कुछ इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ा। हालांकि विपक्ष को एक झटका और लगा जब अचानक से तीन आम आदमी पार्टी के पार्षद कल बीजेपी में एकाएक हो गए, मतलब वो पार्षद जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी को भर भर कर गालियां दे रहे थे, अचानक वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी के हो गए। ठीक सुप्रीम कोर्ट के आज जब सुनवाई होने वाली थी इस मामले में, उनके एक दिन पहले, मतलब जो स्थितियां देश में पैदा हो रही थी वाकई में कई बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अचानक हुए इस दल पदल पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी की बदौलत चुनाव की अवधारणा अब कोई मायने नहीं रखती, यदि वह जीत नहीं सकते तो वह खरीद लेंगे, हमारे पास एक दंतहीन ईसीआई है जो इसकी अयोग्यता को उजागर कर रही है, या इसे दास्ता कहा जाए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल खबरीलाल टीवी को सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम है जतिन सोपती और आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। धन्यवाद।